अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 25th लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एआई। आई एम मोहम्मद उमर फारूक। सो वी आर कवरिंग द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। And what is the propositional logic that deal with the statements which are true or false but not both? We also call the propositional logic as a statement logic. For example, 2 + 2 = 4. This statement is true, and 1 + 1 = 2 is true. In the same way, 1 + 5 = 4. This statement is false. In the same way, this statement can be false or true. In the same way, this statement can be false or true. ये वाली जो statement है, everyone born on Monday has purple hair. So ये यहाँ पे ये हो सकता, ये हमारे पास क्या है कि हर एक का ज़रूरी नहीं है कि इस कलर के बाल हों। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ट्रू हो या फॉल्स हो। इस तरह की स्टेटमेंट को ये प्रोपोजिशनल लॉजिक डील नहीं करती। सो व्हाट इज़ द प्रोपोजिशनल लॉजिक? इन प्रोपोजिशनल लॉजिक अ स्टेटमेंट दैट कैन इधर बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड इज इधर ट्रू और फॉल्स। इफ़ यू हैव वन और मोर प्रोपोजिशंस, so you can connect them to make the more complex statement using logical connectivities, like we will use the not operator, and or if then, and if and only if. So there are 5 operators through which we can make the more complex statement from single statements. सो यहाँ पे हमारे पास नॉट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड और इफ देन एंड बाय इम्प्लीकेशन। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस लॉजिकल ऑपरेटर इन दिस वे, एज वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑपरेटर इन आवर प्रीवियस लेक्चर। एंड वी आल्सो डिस्कस द ट्रूथ टेबल ऑफ आर ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का है कि एक ही केस है जिसमें फॉल्स होता है कि पहली ट्रू हो या दूसरी फिर फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। इन द सेम वे फॉर बाय इम्प्लीकेशन, इफ द बोथ आर ट्रू, सो बाय इम्प्लीकेशन ए हमारे पास ट्रू आता है। इन द सेम वे फॉर बोथ फॉल्स स्टेटमेंट, द बाय इम्प्लीकेशन ऑपरेटर विल गिव अस द ट्रू वैल्यू। अदरवाइज कोई एक भी हमारे पास फॉल्स आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स हमें आउटपुट रिटर्न करता है। इन द सेम वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, इफ एंड देन, इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ आर। तो ये हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया था कि पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, देन निगेशन की, देन उसमें हमने इम्प्लीकेशन लगा लिया। So just look at this slide, the transition between English statement to logical notation. So it is raining and it's Tuesday, so I will convert this statement, English statement, into a logical notation. So it is raining, R and T. So I represent this statement in this form. So where R means it is raining and T means it is Tuesday, so I represent it is Tuesday with T and it is raining with R, और इसके दरमियान में and operator आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने and लगा दिया। So in the same way, it is raining in New York, so I can represent this statement in this form, N of R, so N mean New York and R raining. So in the same way, I can represent this statement in this form, R of N. So N represents the New York, and raining, I will represent the raining with R. So it is raining in New York, and I am either getting sick or just very tired. So it is raining in New York, again I represent this statement in this form, R of N, and so just I apply the and operator over here, and I am either getting sick or operator, so यहाँ पे or operator use हो रहा है, just very tired, so I operate apply the or operator over here. So S I mean कि I am sick,
and I am tired. So यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड का आर का ऑपरेटर लगा दिया. तो इस तरह से मैं आई कैन कन्वर्ट द इंग्लिश स्टेटमेंट इन टू लॉजिकल फॉर्म. सो इट इज़ नॉट रेनिंग इन न्यूयॉर्क, जस्ट अप्लाई द निगेशन ऑपरेटर ओवर हेयर. इन द सेम वे आई एम इधर नॉट वेल और जस्ट वेरी टायर्ड. सो जस्ट वन स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो निगेशन के साथ है. आई एम इधर नॉट वेल, सो आई अप्लाई द निगेशन ऑपरेटर ओवर हेयर. निगेशन डब्ल्यू आई मीन के मैं आई एम नॉट इधर नॉट वेल. सो देन जस्ट वेरी टायर्ड, सो टायर्ड को यहाँ पे मैंने टी के साथ रिप्रेजेंट किया. आई का मतलब आई एम. तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है. इफ इट इज़ रेनिंग देन आई विल गेट वेट. सो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इफ़ की कंडीशन है. सो आई अप्लाई द इफ देन कंडीशन ओवर हेयर. इफ इट इज़ रेनिंग सो आई रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ आर एंड इट आई विल देन आई विल गेट वेट. सो यहाँ पे वेट को डब्ल्यू के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे इसी तरह से मैंने आई के साथ कि मैं आई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आई विल. तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर की फॉर्म में. इन द सेम वे जस्ट लुक एट दिस स्टेटमेंट. व्हेनेवर ही ईट्स सैंडविच दैट हैव पिकल्स इन देम ही एंड्स अप इधर स्लीप एट हिज डेस्क आर सिंगिंग लाउड सॉन्ग्स. सो आई विल स्टेट कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म. तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक का जो मतलब है वो भी यहाँ पे बताया गया है. सो जस्ट लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, टॉटोलॉजी. एन एक्सप्रेशन दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी. सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन ए मे बी फॉल्स आर ट्रू बट दिस स्टेटमेंट दिस एक्सप्रेशन ए एंड ए और निगेशन ए. सो दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू. ओके, ए की वैल्यू चाहे कोई भी आ जाए, फॉल्स हो या ट्रू हो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, ट्रू होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी. सो एन एक्सप्रेशन दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी. सो If A is tautology, we write, हम इसको इस तरह से represent कर सकते हैं इस statement को. So ऐसी statement जो कि ऐसी expression जो कि हमेशा true होती है उसको हम इस तरह से represent करते हैं. So there is another concept, logical equivalence. A and B, B and A, both are equal. So अगर ये दोनों की दोनों, it should be fairly clear that these two expressions will always have the same values. For a given pair of values of A and B, in other words, we can say that the first expression is logically equivalent to the second expression. कि ये वाली expression जब कोई भी इसको value दे दें, A के अंदर B के अंदर कोई भी हम fix कर दें, एक true है B जो है वो false है, तो इसका भी result वही आएगा, इसका भी result हमेशा वही आएगा. So we can say that A and B logically equivalent to B and A. So just look at this slide. This is an interesting slide. There are many operation which are logically equivalent. A or A is logically equivalent to A. In the same way, A and A logically equivalent to A. A and B, A and into B and C is logically equivalent to B and A and B bracket and C. So in the same way, A or into small bracket open A and B logically equivalent to A. So A and true is logically equivalent to A. कि A के अंदर कोई भी value आ जाए तो हमेशा A के equal ही होगा. So in the same way, A and false will be logically equivalent to false. So A or false logically equivalent to A. सो यहाँ पे इफ ए एंड बी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ ए और बी. सो ये कुछ हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हैं जो कि लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. सो यहाँ पे एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए है कि आप लोग ये करके आप सबमिट करेंगे ऑल ऑफ दीज इक्विवेलेंसेस
can be solved by drawing up the truth tables for each side of the equivalence and seeing if the two tables are same. कि आप left hand side पहले बनाएं फिर right hand side बनाएं. If both are equal, so you may want to try this to satisfy yourself and that all of the equivalences are correct. कि ये सारी की सारी equivalence जो है वो exist करती है या नहीं. तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी की सारी truth table आपने बनाने हैं और इसको submit करना है. So just look at this slide, De Morgan's law. I hope you are familiar with this law. A and B is logically equivalent to negation of into negation A or negation B. Just negation जब आप apply करेंगे तो ये double negation negation हो जाएगा. तो जब double negation आ जाती है तो वो just A रह जाता है. In the same way ये OR operator AND बन जाएगा और ये double negation हो जाएगी. तो double negation वही symbol हमारे पास आ जाता है. So in the same way A or B is logically equivalent to this statement. So this is here is the De Morgan's law. So I will use these concept, logically equivalent statements and De Morgan's law for to simplify our logical expression. For example, here is the logical expression. I will solve this expression. इसको मैं simplified form के अंदर convert करूँगा कि mean कि C and D are into double small bracket open and C and D and E. So I will convert this expression जो कि complex है इसको simple expression के अंदर convert करूँगा. So I will use this rule A and into A or into A and B which is logically equivalent to A. So just look at this rule A or B. ये देखें, ये मेरे पास जो rule हैं यही rule मेरे पास यहाँ पे apply मैं करता हूँ. ये वाले for example. और अब यहाँ पे A कैसे आ गया, मैं इस सारे को A कह रहा हूँ कि C and D मैं इसको consider करता हूँ कि if C and D is equal to A in the same way C and D is equal to A. तो यहाँ पे दोनों को मैंने A के equal कर दिया. तो A और A and E, so which is equivalent to A. So this expression will logically equivalent to C and D. तो ये जो मेरे पास पहली expression आती है इसके equal होता है. So in the same way, I hope आप लोगों ने ये जो है वो इस तरह के expression को कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन आती है और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है. ये आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर या फिर आप डिजिटल लॉजिक के कोर्स के अंदर ये आप कन्वर्ट कर चुके होंगे इस तरह से. सो इस तरह की मजीद प्रैक्टिस आप करें, ऑनलाइन इसको देखें कि आपके मजीद जो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलते हैं आप मजीद इसको क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें. So just look at this this concept deduction. This is also a very important concept. If we have a set of assumption from A1, A2 up to AN, the set of assumptions, and from those assumptions we are able to derive conclusion C, then we can say that we have deduced C. कि हमने deduced किया C को from the assumptions. Which is written, so we can write this form के हम इस assumption से हमने एक deduce किया है एक conclusion को. तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से represent करते हैं कि ये वाला symbol जो है वो use होता है. So if C can be deduced without any assumption, then we write so we will write this in this form कि यहाँ पे assumptions जो हैं वो इससे पहले यहाँ पे नहीं आएंगी. So in the same way, just look at this concept to derive a conclusion from a set of assumptions. We apply a set of inference rule. कि जब हम क्या करते हैं कि इस assumptions से हम कोई conclusion निकालते हैं, कोई ना कोई हम क्या करते हैं set of inference rules लगाते हैं. तो इस वजह से इसको inference भी कहते हैं. To distinguish an inference rule from a sentence. We often write A deduce B, so deduction B. So यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले एक सिंबल यूज़ किया था कि हमने deduce करते हैं, तो ये इस तरह से लिखते हैं बिल्कुल वही सेम चीज़. यहाँ पे A क्या है, assumptions हैं, और B जो है वो हमने conclusion write किया है. So we will use the inference rules. What are the inference rule to deduct the conclusion from the assumptions
ए सेट ऑफ ए एंड यहाँ पे ए का जो हमारे पास अजम्पशंस का सेट है उसको हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो कंक्लूजन है उसको बी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सो हेयर आर द इन्फ्रेंस रूल्स, क्या है यहाँ पे, एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन, इफ देन यानी इम्प्लीकेशन एलिमिनेशन इम्प्लीकेशन इंट्रोडक्शन एंड डबल निगेशन एलिमिनेशन। सो दीज आर द इन्फ्रेंस रूल विच वी विल यूज़। यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए हैं, बहुत सारे कुछ और भी रूल्स हैं यहाँ पे, मैंने चंद एक मेंशन किए हैं। सो वी विल यूज़ द इन्फ्रेंस रूल टू डिटेक्ट टू डिड्यूस द कंक्लूजन फ्रॉम आवर अजम्पशंस, और अजम्पशंस का यहाँ पे हमारे पास सेट होगा। तो ये वाले रूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। सो वट इज एंड इंट्रोडक्शन, इफ वी हैव अजम्पशन ए बी सो वी कैन कंक्लूड ए एंड बी, मीन के गिवन ए एंड बी वी कैन डिड्यूस ए ए एंड बी, मीन के उसका एंड भी हम उसको क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं। दिस फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंड, जस्ट हमने एंड का ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है तो हम उससे क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे एंड इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया। एंड एलिमिनेशन, इफ वी हैव ए एंड बी वी कैन रिड्यूस ए, सिमिलरली इफ ए एंड बी अगर हमें गिवन है तो वी कैन रिड्यूस बी। दीज रूल से दैट गिवन ए एंड बी वी कैन रिड्यूस ए एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस बी सेपरेटली। अगेन दीज फॉलो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंड, मीन के अगर यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इट मीन्स कि वो ये लाजमी तौर पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ए जो है वो ट्रू ही होगा। इन द सेम वे आर इंट्रोडक्शन, इफ वी हैव ए वी कैन रिड्यूस ए और बी। इन द सेम वे इफ वी हैव बी सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, आई कैन रिड्यूस ए और बी। सो दीज रूल्स से दैट फ्रॉम ए वी कैन रिड्यूस डिसजंक्शन ऑफ ए विद एनी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टेटमेंट आई लाइक लॉजिक वी कैन रिड्यूस द एक्सप्रेशन सच एज आई लाइक लॉजिक और आई लाइक चीज़, यानी कि आई लाइक लॉजिक इज इक्वल टू ए एंड आई लाइक लॉजिक और आई डोंट लाइक लॉजिक, आई लाइक लॉजिक आर फिश कैन सिंग। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें ए है तो ए का डिसजंक्शन किसी भी दूसरी एक्सप्रेशन के साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आई लाइक लॉजिक और 2 + 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 123 एंड सो ऑन। दिस फॉलोज बिकॉज कि अगर हमारे पास पहली एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू आ जाए तो उसके बाद बी जो है चाहे कुछ भी आ जाए, तो और गेट की प्रॉपर्टी है कि कोई एक अगर ट्रू आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये ट्रू ही हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा ए और बी का जो हम रिड्यूस कर रहे हैं। इन द सेम वे ए इफ देन एलिमिनेशन, इफ वी हैव ए एंड ए इफ़ ए देन बी सो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं वी कैन रिड्यूस बी। इन अदर वर्ड्स इफ ए इज़ ट्रू, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ ए इज़ ट्रू एंड ए इम्प्लाइज बी इज़ ट्रू देन वी नो दैट बी इज़ ट्रू। इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रिप्लेस ए विद इट इज़ रेनिंग एंड बी विद आई नीड अम्ब्रेला देन, अब यहाँ पर देखें कि वी हैव के अगर हमारे पास इट इज़ रेनिंग ट्रू हो जाए एंड बी को हम क्या करें अम्ब्रेला के साथ कर दें, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनेगी इट इज़ रेनिंग, इट इज़ अगर ये ट्रू है देन इफ इट इज़ रेनिंग आई नीड अम्ब्रेला देन आई नीड अम्ब्रेला, इफ दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये देयर फॉर आई नीड अम्ब्रेला। तो ये मेरे पास देखें कि इस तरह से जो है वो इम्प्लीकेशन एलिमिनेशन ये इस तरह से होती है कि अगर मेरे पास ये दोनों ट्रू हो जाए तो बी को मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। सो हेयर इज अनदर इम्प्लीकेशन इंट्रोडक्शन। सो यहाँ से ये देखें कि ये रूल क्या कहता है, दिस रूल शोज दैट इफ इन कैरिंग आउट अ प्रूफ वी स्टार्ट फ्रॉम एन अजम्पशन एंड ड्राइव अ कंक्लूजन सी देन we can conclude that if a then c, कि हमारे पास क्या है कि ये इस तरह से ये expression भी hold करती है।
सो इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को भी देखें, दिस आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ भी कर चुके हैं कि डबल यहाँ पे हमारे पास निगेशन आ जाए और उसके इलिमिनेशन आ जाए इफ़ वी हैव दिस अजम्पशन, सो वी कैन रिड्यूस दिस वैल्यू ए. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है कि ये रूल भी है कि दिस रूल स्टेट्स दैट इफ़ वी हैव सेंटेंस दैट इट निगेटेड ट्वाइस वी कैन कंक्लूड द सेंटेंस इटसेल्फ विदाउट द निगेशन. तो ये मेरे पास क्या है, क्लियरली दिस रूल फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ निगेशन, के इसने क्या किया, डेफिनेशन को फॉलो किया. सो आई जस्ट डिस्कस दट इज़ द डिडक्शन एंड इनफेरेंस. डिडक्शन क्या है कि अगर हम हमारे पास यहाँ पे अजम्पशंस हों तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं, और इसको डिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इन्फ्रेंस रूल को हम डिस्कस करते हैं कि ये यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी अजम्पशंस में से कोई कंक्लूजन भी निकालते हैं. तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया कि हमने इस इन्फ्रेंस रूल्स को देखा, उसके बारे में थोड़ी सी बात की है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात की है, देन आई विल डिस्कस अनदर फॉर्म ऑफ लॉजिक विच इज़ प्रेडिकेट लॉजिक. तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.